हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JNC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच दो डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं, जिनका डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट क्या है K1 और K2, और उनकी थिकनेस क्या है T1 और T2, और इनका जो एरिया है वो प्लेट के एरिया के बराबर है। प्लेट के बीच की स्पेसिंग जो है वो स्मॉल d है और एरिया ए है। हमसे पूछा गया है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो फ्रेंड्स, आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो हम कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ टू और मोर देन टू डाइलेक्ट्रिक्स इन अ कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो डेल्टा वी होता है ना, जो डेल्टा वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, वो होता है ई इंटू डी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी क्या है? डी है स्पेसिंग। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी? फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तो प्लेट्स के फ्री एरिया में जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर भी फ्री एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट। इसी तरह से यहाँ पर भी फ्री एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट। लेकिन फ्रेंड्स, जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो ई नॉट बाई के वन हो जाती है। जैसे डाइलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट बाई के वन हो जाएगी, और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नॉट बाई के टू। तो तीन तरह के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको मैंने लिख लिया है E1D1, E2D2 और E3D3। अब मैं E1 और E1D1, E2D2 और E3D3 की वैल्यू पुट करूँगा। तो E1 की वैल्यू मैं ले रहा हूँ E0, है ना, फ्री एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0। ब्रैकेट में स्पेसिंग कितनी है फ्रेंड्स? ये उतने ही एरिया के पोटेंशियल की बात करेगा जो फ्री बचा है। कितना एरिया, कितनी लेंथ फ्री बची है? D माइनस T1 माइनस T2। इतनी ही जो लेंथ है वो फ्री बची है, बाकी में तो डायलेक्ट्रिक है। तो E1 D1 की वैल्यू हो जाएगी E0 × D माइनस T1 माइनस T2। अगर तीन डायलेक्ट्रिक होते तो क्या हो जाता? -T3। चार होते तो -T4, और जैसे लेकर के चले जाओ जहाँ तक जाना है। फिर प्लस E0 बाई K1, है ना, प्लस E0 बाई K1 इंटू T1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस, है ना, या स्पेसिंग कह लो। E0 बाई K1 इंटू T1 प्लस E0 बाई K2 इंटू T2। अब क्या करो, E0 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा? D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब डेल्टा वी क्या हो जाएगा? E0 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? पैलेट प्लेट कैपेसिटर में जो E0 की वैल्यू होती है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स की वैल्यू जो होती है वो होती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो E0 की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदर वाला पोर्शन तो वैसे का वैसा रहेगा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब फ्रेंड्स, हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू है, तो जो कैपेसिटेंस वैल्यू की वैल्यू होगी वो हो जाएगी Q अपॉन डेल्टा वी। तो सब्सटीट्यूट कर दो तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए, और रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा या डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2।
तो कैपेसिटेंस आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कितने भी डाइलेक्ट्रिक का बीच में रख दो उनका सब उनके सबकी वजह से कैपेसिटेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको करने का एक तरीका और है, इसको करने का एक तरीका और है कि तीन कैपेसिटर मान लो है ना सीरीज में, तीन कैपेसिटर कनेक्टेड मान लो सीरीज में, है ना, एक का कैपेसिटेंस सी वन, एक का कैपेसिटेंस सी टू, एक का कैपेसिटेंस सी थ्री, और फिर सीरीज वाला सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो इसमें, फिर कैलकुलेट कर लो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन फ्रेंड्स वो मेथड बहुत लेंदी है और ये मेथड जो है ये बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको प्रोसीजर याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो बिना किसी मेहनत के, है ना, आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो बिना किसी मेहनत के। अब फ्रेंड्स अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस डायलेक्ट्रिक टू को रिप्लेस करके यहाँ पे, है ना, इतनी ही थिकनेस की मेटल रख दूँ तो क्या होगा, मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो टर्म है टी टू बाई के टू ये ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन बाई के वन। तो इस तरह से आप अलग अलग सिचुएशन में कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही सिखाना था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।